हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टैट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम हिंदी। हिंदी में हमें चलेगा चौथा टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दिया है जिस विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। या मैं अपनी तरफ से कहूँ तो किसी एक विशेष नाम जो होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो आगे दिया है, दूसरे शब्दों में वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने कहा ना, नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के पांच भेद होते हैं। संज्ञा के पांच भेद होते हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो हम एक एक क्रम करके चलते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा, किसी एक जाति विशेष का बोध हो वो जातिवाचक होता है। दिया है जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़, नदी। अगर मैं नदी शब्द कहूँ तो आपके दिमाग में बहुत सारी नदियां हैं, सब नदियां आ जाएंगी, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। लेकिन मैं अगर एक नदी का नाम लेकर कहूँ गंगा, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आएगा। अगर मैं नदी कहूँ तो बहुत सारी नदियां हैं, यानी कि नदी शब्द वो है जो अपनी नदी के स्वभाव की सभी नदियों का बोध कराती है। तो ये हो गया नदी। फिर दूसरा है, देखिए व्यक्तिवाचक, यानी कि जो एक विशेष व्यक्ति का बोध कराए, आपके दिमाग में एक विशेष व्यक्ति उत्पन्न हो, तो वो होता है व्यक्तिवाचक। इसमें नाम आता है, देख लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम आते हैं, फलों के नाम, इनमें नाम ही आएंगे, चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो। व्यक्तियों के नाम में रामकृष्ण, महात्मा, बुद्ध दिया है। फलों के नाम अमरूद, सेब, केला, संतरा। तो ये चीजें हैं। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि डिफिनेशन आपको आती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपकी सीटेट में ये कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा कि सीटेट की संज्ञा की डिफिनेशन क्या है। आपसे प्रश्न बनेगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं। फिर यह चार ऑप्शन देके आपको संज्ञा के जो भेद हैं, इनके चार ऑप्शन दे गया और कोई एक्स्ट्रा बाहरी देकर ये पूछेगा इसमें कौन सा भेद नहीं है, या ये पूछ सकता है कौन सा भेद है। तो यहाँ से केवल इतना ही आपको जानना है कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं और वो भेद कौन कौन से, उनके नाम इम्पोर्टेंट हैं और आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखिए, यहाँ पे हमने देख लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आगे दिया है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में भावनाएं होती है, उसके स्वभाव गुण का हमको एहसास होता है, वो होता है भाववाचक संज्ञा। देख लेते हैं इसे। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दोष, दशा या व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण के आधार पर देखिए दिया है सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमान, चालाक, ये आते हैं इसके गण। और अवस्था यानी कि उम्र के हिसाब से जवानी, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि आते हैं। और मैं बता दूं कि भावात्मक जो आपके संज्ञा शब्द है ये बहुवचन, यानी इनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। जब हम अगर हमने ऊपर देखा तो इसमें विकारी शब्द दिया है, बट भाववाचक वो संज्ञा है जिनका बहुवचन के हिसाब से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर तीसरे पॉइंट पे दिया है दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान आदि आता है। भाव के अर्थ में मित्रता, शत्रुता, कृपणता, क्रोध वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आगे आगे हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूह में बताया जा रहा है कि एक समूह, एक ग्रुप का एहसास होता है, आपके दिमाग में ग्रुप आएगा। क्या है देखिए उसमें, यहाँ दिया है जिस संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के समूह जैसे कक्षा, अगर कक्षा हम कहते हैं बच्चे को हो तो सभी बच्चे आ जाएंगे, लेकिन मैं अगर कक्षा कहूँ तो आप जानते हैं कक्षा में कुछ विशेष बच्चे हो तो, और हर कक्षा अलग अलग होती है, एक कक्षा का बात कहा जा रहा है, तो कुछ विशेष बच्चे हैं। जैसे क्लास वन कहा जाए तो क्लास वन में कुछ ही बच्चे होंगे, क्लास टू के बच्चे उसमें नहीं आएंगे। तो कक्षा है तो एक कक्षा विशेष का, एक ग्रुप का एहसास कराता है। सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह और दल इत्यादि, ये एक विशेष समूह का बोध कराते हैं। इतने वस्तुओं में क्या है, कुंज, ढेर, गट्ठर, गुच्छा इत्यादि, ये तो व्यक्तियों में दिखाया गया और ये वस्तुओं में आपको दिखाया गया है। देखिए यहाँ है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव किसी वस्तु के लिए, पदार्थ के लिए यूज हो रहा है ये वर्ड। तो दिया है जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, यानी कि हम उसे नाप लेंगे, तोल लेंगे, बट उसे 1, 2, 3, 4 करके हमें काउंट करना है तो हम उसे काउंट नहीं कर पाएंगे, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे दिए है दो धातुओं में और पदार्थों में। तो धातुओं में आपके जो समस्त धातुएं होती हैं उन्हें हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं,
उन्हें काउंट नहीं कर सकते। इसमें आपका सोना चांदी लोहा तांबा पीतल समस्त धातुएं आ जाती हैं, और पदार्थ में आपका लिक्विड वाला चीज सभी आ जाते हैं, दूध दही घी तेल आदि। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नाप तो सकते हैं तौल सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते। दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, दही घी तेल इन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते। तो यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा वो चीजें हैं जिसे हम नाप तौल सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स यहाँ ये टॉपिक तो इतना ही था, लेकिन मैं बता दूं कि इसमें अगर इम्पोर्टेंट है तो वो ये बात इम्पोर्टेंट है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो पांच भेद हैं, और संज्ञा के वो पांच भेद कौन कौन से हैं, जातिवाचक व्यक्तिवाचक भाववाचक समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो आज की वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है, अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।